Hey guys, today I have created this yellow makeup look, so let's start the video. Hey everyone, welcome back to my channel Preeti Rana. So आज मैं करने जा रही हूँ अपना येल्लो ड्रेस मेकअप लुक तैयार. सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ. अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप. सो अभी मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है, सो इसलिए मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ. ये है एलोवेरा जॉय क्रीम. तो इसको मेकअप से पहले मैं लगा ले रही हूँ ताकि मेरा फेस जो है ड्राई ड्राई सा ना लगे. और इसको मैं ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ फेस पे ताकि मेरा फेस जो है थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाए. सो इसको तो मैंने लगा लिया है. लिप भी थोड़े से ड्राई लग रहे हैं तो मैं इसके लिए ये लिप बाम लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद हम करेंगे मेकअप स्टार्ट. सो सो मैंने लिप बाम तो लगा लिया है. अब नेक्स्ट मैं इसके आगे लगाऊंगी ये एलोवेरा जेल. सो ये मैंने एलोवेरा जेल इसको निकाल लिया है और इसको भी मैं इस तरीके से लगाऊंगी फेस पे अपने. सो इसको मैं जल्दी से ब्लेंड कर लेती हूँ इस तरीके से और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे. तो मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, बट इसको मैं पहले ड्राई होने देती हूँ ताकि ये मेकअप के लिए जो है स्किन सही हो जाए. सो ये थोड़ा ड्राई हो गया है और थोड़ा सा और ड्राई कर लेती हूँ इसे हवा मार के. सो अब मैं लगाऊंगी ये बीबी प्लस क्रीम. तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और ये मतलब इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रही है. सो इसको मैं ना ज़्यादा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और इसके बाद मैं न्यू वाला मेकअप प्रोडक्ट मतलब न्यू फाउंडेशन लूँ. तो इसको मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ और ये ना थोड़े से में ही मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका फेस जो है वाइट कर देता है. तो आप इसको थोड़ा सा ही लगाएं, मैं ज़्यादा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है घूमने के लिए और मतलब शाम तक मेकअप टिके रहे तो इस वजह से मैं ज़्यादा लगा रही हूँ. और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ. सो चिक्स पे मैंने ब्लेंड कर लिया है और फोरहेड बचा हुआ है सो इसको भी मैं ब्लेंड कर लेती हूँ. फिर इसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी पहले, बट इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ. ये नेक पोर्शन भी इसको कंप्लीट कर लेते ताकि दिखे ना कि मतलब मेकअप कैसा किया है, गर्दन काली सी दिख रही है और मुँह तो बिल्कुल वाइट वाइट सा लग रहा है. तो इसलिए इस मेकअप को मैं अच्छे से ये ईयर की तरफ भी मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ. सो ये तो मैंने लगा लिया है फाउंडेशन. अब लगाऊंगी प्राइमर और आज काउंटोर नहीं करूँगी. हाँ, क्योंकि घूमने जा रही तो लोग बोलेंगे अगर नाइट मेकअप मतलब नाइट पार्टी होती तो उसके लिए ज़्यादा मेकअप करे तो अच्छा भी लगता, बट डे के लिए तो लाइट होना चाहिए यार. सो अब मैं लगाऊंगी ये कंसीलर. तो मैंने इसको लगा ही रखा है तो इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ. बीच में कॉल आ गई थी सो इस वजह से मैंने पॉज कर दी थी वीडियो और फिर से मैंने एंड करके फिर से बनाई है. सो ये तो हो गया कंसीलर, मैंने लगा लिया है अपने आईज पे. इसके बाद मैं लगाऊंगी क्या फेस पाउडर. सो फेस पाउडर ये लगाऊंगी फिटमी का और ये मुझ पर मतलब मेरे फेस पे सूट करता है स्किन पे तो इसलिए मैं इसको लगाऊंगी. तो इसका मैंने पफ लगा लगा के ख़राब कर दिया है सो मैं इस वाले मेकअप का पफ लगाऊंगी.
सो फेस पे मैं तीन ही चीज लगाती हूँ, फाउंडेशन और फेस पाउडर, और कभी कभी कंसीलर और काउंटर भी कर लेती हूँ। बट इसका ना मैंने फाउंडेशन पूरा ख़त्म कर दिया है, तो इसको मैं थोड़ा ना तोड़ तोड़ के लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से लग जाए। बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये, मतलब इसको लगाने के बाद ना स्किन जो मेकअप होता है मेकअप पूरा सेट हो जाता है, मेकअप फिक्सर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस फाउंडेशन को लगाने के बाद। तो ये मैंने लगा लिया है फाउंडेशन, और यहाँ फोरहेड भी बचा हुआ है तो यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने फेस पाउडर लगा लिया है और इसके बाद मैं करूँगी अब अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं लूँगी ये आई पैलेट, और ये बहुत ही अच्छे और मतलब प्यारे लगते हैं। तो ये येलो वाला आई पैलेट मैं फिंगर टिप की हेल्प से ऐसे लगा लेती हूँ और इसको फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो थोड़ा सा लाइट मेकअप करेंगे आज, तो इस वजह से मैं येलो वाला आई पैलेट लगा रही हूँ। तो येलो लगाने से जो है दिखता नहीं है, और मतलब जो पास आके जूम करके देखेगा उसी को दिखेगा ये मेकअप। सो इसके साथ ना मैं पिंक वाला शिमर भी यूज़ कर रही हूँ, मतलब पिंक वाला ये आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये सबसे लास्ट वाला। सो इसको भी मैं लगा लेती हूँ बिकॉज़ येलो ना कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है। सो इस वजह से मैंने ये वाला भी मतलब लगा लिया ताकि थोड़ा ना पिंकी पिंकी सा लुक आए। तो इसको तो मैंने इसको मैंने लगा लिया है। अभी थोड़ा सा मेकअप और बचा हुआ है अभी और कंप्लीट करना। अभी तो आईब्रोज भी बनाने हैं, लाइनर भी लगाना है मुझे। सो गोल्डन वाला तो अब दिख ही नहीं रहा, तो गोल्डन वाला फिर से लगा लेती हूँ मैं इस तरीके से। तो हाफ आईज में मैंने गोल्डन लगाया है और हाफ में मैंने पिंक लगाया है। सो ये तो मैंने लगा लिया है। तो अब मैं लगाऊंगी ये लाइनर, और इसको मैं इस तरीके से पहले विंग बना लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी ये लाइनर। तो इसको मैं अच्छे तरीके से ऐसे लाइनिंग बनाती रहती हूँ। आपको तो पता ही है मुझे विंग लाइनर कितना ज़्यादा पसंद है, और हर मेकअप वीडियो पे मेरा विंग लाइनर रहता है। तो आज भी मैं विंग लाइनर ही लगाऊंगी। सो ये वाली आईज में तो मैंने लगा लिया, सो इसमें भी लगा लेती हूँ मैं। वाओ, मैंने तो एक ही बार में लगा दिया इसको। सो मैंने इस तरीके से जो है काजल लगा दिया है, बट ये वाली थोड़ी आईज ना और सही कर लेती हूँ मैं इसको। अभी इसको ड्राई होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं लगा लेती हूँ
मस्कारा, तो उसके लिए मैं फिर से ये ब्लैक कलर का काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल नहीं मतलब ब्लैक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसमें से ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है रोज़ वाली। सो मैंने ये अपना काजल जो है ख़राब कर लिया, बट ये इसको मैं अभी सही कर लेती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे। सो इसको मैं क्लो, तो ये तो मैंने लगा लिया है काजल। सो मैं अब आईब्रोज बना लेती हूँ। तो इसको इस तो अरे ये टूट गया, दूसरी वाली पेंसिल निकालती हूँ मैं। सो ये वाली भी है मेरे पास और मैं इसको इस तरीके से बना लेती हूँ। आपको भी तो दिखना चाहिए ना। सो ये ना बहुत ही ज़्यादा डार्क डार्क सी है, तो इसमें ना पता चल जाता है कि भाई आई पेंसिल लगा रखी इसने। सो इससे तो मतलब मेरे आईब्रोज ख़राब हो गए, सो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक आई फ्लावर जेल। तो कौन सा शेड है ये? ब्राउन शेड है ये। सो इसको मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी बिकॉज़ मेरा जो पेंसिल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो सोच रही हूँ पूरा कंप्लीट ही कर लूँ इसको फिर मैं। तो इसको मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और सो मैंने काजल भी लगा लिया है और अब मैं कर लेती हूँ अपने चिक्स को हाईलाइट। तो मैं ये वाइट कलर का शिमर, मतलब शिमर तो नहीं आ रही है, मतलब आई पैलेट यूज़ करी जिसकी वजह से ये हाईलाइटेड हो जाए। तो नोज़ टिप तो मैंने हाईलाइट कर ली है और ये चिक्स को भी मैं इस तरीके से हाईलाइट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। सो अब मैं करूँगी नेक्स्ट ब्लश, और ब्लश करने के बाद फिर मेरा मेकअप तो हो ही जाएगा कंप्लीट। सो अभी लिपस्टिक देख लेती हूँ कौन सी वाली लगानी है, लाइट वाली या डार्क। सो ये रही मेरी लिपस्टिक पिंक इन कलर, तो इसका मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। देखते हैं अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरी लगाऊंगी मैं। सो लिपस्टिक भी मैंने लगा ली है। सो अभी करना है मुझे ब्लश, पिंक ब्लश कर लेती हूँ। तो ये मैंने ब्लश भी कर लिया और मेरा मेकअप तो हो गया डन। हेयर ऐसे ही बना के जाऊँगी मैं बाल अपने। सो ये हो गया है मेरा मेकअप और फाइनल लुक में आती हूँ आपके सामने। सो दिस वन इज़ माई फाइनल मेकअप लुक वीडियो। और ये मेकअप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और ये लुक मेरा कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।